वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे घर कौन आया है, तो आप लोग प्लीज बने रहना मेरे साथ। ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंजॉय करेगा हम ब्लॉग में। तो चलिए फटाफट से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज को लाइक शेयर कमेंट कर देना अगर आप लोग इच्छा हो तो। तो फटाफट से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना गाइस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए फटाफट से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चाय बिल्कुल रेडी हो चुका है मेहमान को देने के लिए, तो खाला यहाँ पे बैठकर चाय पियेंगी और मैं आप लोगों को बाकी जो चीज है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इनको तो आप लोग पहचानते ही हो, सारा दिन पढ़ाकू आदमी, सारा दिन पढ़ते रहते हैं, अभी भी पढ़ ही रहे हैं। मैं एक बार दिखा देती हूँ आप लोग को, ये देखिए साइड में हमेशा कॉपी रहता है। कुछ बोलना चाहेंगे ब्लॉग में? हाय। बस यही इतना ही कि ब्लॉग में कुछ बोलिए, सब्सक्राइबर को कुछ बोलिए। अरे कम से कम ये भी बोल दीजिए कि ब्लॉग को लाइक शेयर कॉमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, प्रमोशन कर दीजिए थोड़ा। आप जाने आपका चैनल जाने। भाई क्या बात है, बड़ा बड़ा अकुल इंसान है। कोई बात नहीं, चलिए आप लोग हैं मेरे साथ, इनकी जरूरत नहीं मुझे। तो ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने दीजिए। मैं आप लोगों को दूसरे रूम में जाके दिखाती हूँ कि वहाँ कौन आए हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ। यहाँ पे जोरों शोरों से चाय पिया जा रहा है। तो गाइस जैसा कि मेरे खाला आए हैं और मेरे कज़न ब्रदर आए हैं जो बड़े हैं वो आए हैं, तो वो लोग किचन में चाय वगैरह पी रहे हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये, और भी ब्लॉग लंबा है, हम लोग बातें बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहना। तो यहाँ पे हमारे पकौड़े और जो चिकन मोमोज है वो भी रेडी है खाने के लिए। तो हम तीनों बैठे हैं खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी था। थैंक यू सो मच बर्दा कि आपने इतना अच्छा टेस्टी मोमोज और पकोड़े खिलाए हमें। तो फ्रेंड्स पकोड़े और जो मोमोज थे वो बहुत ही तीखे थे, मैंने तो खा के हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा तीखा था। मुझे तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं कि मुझे तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी
चलते हैं, खाला मुझे बुला रही है बार बार, तो अब खाला के साथ कुछ देर बैठ के बातें बातें करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पे भाभी खाला के लिए संदेश बना रही है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और पकोड़े और समोसे वगैरह सब खा के सबकी हालत बहुत ही टाइट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे संदेश बन के रेडी हो चुका है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए अभी हम खाएंगे पानी, तो चलिए पानी पूरी को पहले रेडी कर लेते हैं। तो गाइस पानी पूरी बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैंने ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि पकोड़े और मोमोस के मेरा पेट बिल्कुल फुल है, आप लोग देख सकते हो। कुछ ही लिए हैं तो इनको फटाफट से खा के ख़त्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों खाना चालू हो चुका है, पानी पूरी मुझे बिना बोल के, कोई बात नहीं, ये लोग खा लेते फिर मैं खा लूँगा। चले मैं भी एक खा लेती हूँ वरना मुझे नहीं मिलेगा मुझे लगता है। तो यहाँ पे और भी मेहमान आए हैं, ईद की वजह से सभी आ रहे हैं। यहाँ पे फूफी आई है। तो दोस्तों अभी घर पे और भी मेहमान आए हैं, तो मैं उनके साथ कुछ देर बातें बातें कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ब्लॉग को मैं यहाँ पे पोस्ट करती हूँ, फिर कंटिन्यू करूँगी। तो जैसा कि गाइस गर्मी से आप लोग हालत देख सकते हो, हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, बाल वगैरह भी सब खराब हो चुके हैं। और अभी मेहमान भी घर पे है, बातें बातें कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे उनके साथ बात करना पड़ रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूंगी, तो प्लीज बने रहना मेरे साथ। यहाँ पे बैठी हुई है, क्या कर रही है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये गेम खेल रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं, इतने शैतान बच्चे आपने देखे होंगे कभी। तनवीर ये देखो लड़ाई कर रहा है मेरे साथ, और मैं इसका बड़ा भाई। हाँ जी ये मेरे बड़े भाई है, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। हाँ जी इनके लिए कोई है अच्छी सी सुंदर सी दुल्हन तलाश कर रहा हूँ। के अच्छा उसका नाम एक्चुअली के मेरे मेरे भाई ने दिया था, उसका नाम था अभी। अच्छा अभी हम उसको के बुलाते हैं। अच्छा के को अभी ककड़ा लेके चला गया। अच्छा बड़ी 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 दुख हुई जान के, बड़ा दुख हुआ ये जान के। और आगे कुछ यानी आगे के लाइफ के बारे में, तनवीर के बारे में क्या बताऊँ, अभी तो बोला है ना द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। तो हम एक दो साल के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं, उसके बाद हम दुल्हन तलाश करेंगे, पर हमारी जो खाला है वो मान नहीं रही है, तो इनके लिए अभी भी दुल्हन तलाश किया जा रहा है। और अभी हम सब चाहते हैं कि आप लोग भी सपोर्ट करो, इनको बताओ कि इनको अभी शादी कर लेना चाहिए। ये अभी 30 के होने को है, अभी और कितने दिन के बाद करेंगे, 50 के हो जाएंगे, फिर करने से कोई फायदा भी नहीं है। मेरा इसके ये जो बोल रही है ना इसके बाद छोड़ो, मेरा जो मानना है ना कि एज इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। अच्छा पर एज के साथ शादी करना भी जरूरी होता है भाई, एज इज जस्ट अ नंबर। अच्छा जब तक मर्द शादी नहीं करता तब तक मर्द जवान रहता है, अगर एक बार शादी कर, ये क्या बात हुई भाई, जो शादी करने के बाद मर्द थोड़ी ना बूढ़ा हो जाता है, खत्म। ये राहुल गांधी जैसे बोलता है ना, खत्म। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, देखो गाइस मैंने भी शादी किया है, तो थोड़ी ना मेरे पति की जिंदगी वो बूढ़े हो चुके, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लाइफ पार्टनर आपकी मर्जी से हो, अच्छे अच्छा हो, तो लाइफ कुछ भी करके आप लोग बिता सकते हो, बैचलर जैसा भी बिता सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह भी बिता सकते हो, मैटर करता है कि लाइफ पार्टनर है कैसा। एक्चुअली मेरा जो थिंकिंग है ना,
कि 8 साल तक मैं एक वो होता है ना बिग बॉस का एक झेल होता है ना कंगना रनौत का शो का जैसा झेल ऐसा कुछ झेल टाइप में था। अभी वो रिलीज हो चुके हैं तो आपको कलर्स में कलर्स खत्म करने के बाद तो मैं जेल टाइप कुछ ऐसे में था। तो अभी मैं मेरा मतलब वो जेल अभी जेल का जो सलाखे थे ना वो टूट चुकी है। तो अभी भाई मतलब आजाद की जो जिंदगी होते है आजादी की जिंदगी जो होते है वो भाई जीना चाहते है वो शादी बिल्कुल नहीं करना चाहते पर हम उनके शादी करा के ही छोड़ेंगे। मैं गर्लफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड्स बनाना चाहता हूँ। बाप रे इतना लंबा। कोई बात नहीं आप लोग गर्लफ्रेंड ही बनाओ आप कुछ भी बनाओ पर हम लोग तो भाभी ही लेके आएंगे बहुत जल्द। अगर आपके नज़र में कोई अच्छी सी कोई लड़की हो तो प्लीज कमेंट में बता देना हम लोग उसके घर चले जाएंगे अगर अच्छी लड़की मिले तो। राजू को बोल फोन उठाने। नहीं भाई तो ये आ चुके हैं हमारे फेवरेट भाई ईद मुबारक जनाने के लिए। तो ओलीद कुछ बोलना चाहोगे ब्लॉग में भाई कोई तो कमेंट बता दो कुछ तो बता दो। ये अभी बच्चा है बड़ा होना अभी और कितना बड़ा होगा भाई बच्चा हमारे जैसा बच्चा है। अच्छा ये बता दे कि ईद कैसा गया तेरा और जिंदगी कैसी जा रही है जिंदगी के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं तो जिंदगी कैसा है आप जिंदगी झमंडवा। ये क्या बात हुई भाई आप जिंदगी को झंड क्यों बोलो इतनी अच्छी जिंदगी है। जिंदगी उसकी अच्छी होती है जिसके जिसके मन में फूल खिलते हैं। तो आपके मन में फूल नहीं खिल रहे। और ये आ चुके हैं हमारे एक और भाई हाय बोल दो भाई ब्लॉग में। तो ये भी आ चुके हैं तो हम लोग मिलके बातचीत करेंगे आपके साथ शेयर भी करेंगे हम क्या बात कर रहे हैं। तो भाई कुछ बोल रहे थे जिंदगी के बारे में तो बताइए जिंदगी के बारे में क्या बोल रहे थे आप क्या। बीच में एक बात बोलना चाहती हूँ इन ये जो लड़का है ना ये जो बच्चा है ना इसकी वजह से मैं एक भी ब्लॉक नहीं कर पा रही। तन्वीर ये बच्चा इतना शैतान क्यों है भाई। फ्रेंड्स मैं सबके साथ बातें कर रही हूँ और भाई लोग भी आ चुके हैं तो ब्लॉग में बने रहे मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा। और भाई के मैं एक बात बोलना चाहता हूँ ये लोग सभी ब्लॉग में आ चुके हैं हमारा लास्ट मैसेज यही है कल भी मेरी नाती तू नकल होगी मेरी। अच्छा ये सब डायलॉग बाजी बाद में कर लेंगे मैं आप लोगों को चुपके से बता रही हूँ कोई अच्छी सी लड़की हो तो हम लोग को बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हो आप लोग इनके बाद कोई मत सुनना क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये अपनी लाइफ में सेटल हो जाए बीती बातों को भुला के। प्लीज मैं नहीं सुनना चाहती इनकी सब बातें। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और अभी मैं उन सबसे बात करती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो खाला जो है वो जाने के लिए रेडी हो चुकी है और जाते समय ये लेके जा रही है इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता। गाइस ये जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो खाला जाने के लिए रेडी हो चुकी है तो हम इनको विदा करते हैं। यहाँ पे मेरे एक और भाई आ चुके हैं तो हाय बोल दीजिए। तो ये लोग बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं और ये भी बाहर बैठे हुए हैं तो हम लोग अंदर चलते हैं। तो गाइस बहुत जल्द मैं स्किन केयर के बारे में भी शूट करने वाली हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस मिलने वाले हैं। तो मैंने 2-3 दिन बाद से स्टार्ट कर देना है तो अभी ईद की वजह से कुछ स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। स्किन केयर के बारे में मैं सब कुछ शेयर करूंगी मुझे जितना भी आता है। टाटा बाय बाय और इसने जो जो बोला है वो सब आप रद्द कर दीजिए। नहीं वो तो नहीं करेंगे भाई। तो फ्रेंड्स
खाला जो है वो जा चुकी है और अभी मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। मैं तो ब्लॉग को देख सकती हूँ। आई होप आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय। बाय बोल दो भाई एक बार। बाय बाय गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।